कामर साहब एक शक मिले कभी जा सटे वे, या ये क्या चक्कर है जी? बस कोई लकड़ी में इस्तेमाल करने लो। आ कोई लकड़ी कपी ने ऐ तकी सकने हो नाजरीन, तो बाकी इत्था ही सटी का जना गया ठी, उसकी नहीं पता जे राय सटी गया। चलो अल्लाह पला करे अस, तो बाकी जंगल नजारे सो तकी सकने पर कट्ठे ने एक जगह तकने सो बुकलैन लगी हुई है, तो बड़ी खौफनाक जगह बुकलैन लगी हुई है, ते दिसना इस तरह कि इतू बिल्कुल अस ना गिरने ली है। दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला इसकी इतना मसलन गिरने ना दे। काफ़ी मुश्किल जगह बुकलैन लगी हुई है, उस ड्राइवर ने उस सलाह तकी है भी काफ़ी हैरान होने के तको कड़ जगह उस गड्डी लाई हुई है, काफ़ी मुश्किल जगह ही है। गलबुन रोड उपर ये जड़ी रोड जानी है, इसे रोड ना कोई हिसाब पर गया है जरा कि इतने पर बुकलैन लगी हुई है। तो मजीद तुसा तकने सो काफ़ी मुश्किल जगह ही है, तो इतने जड़े लोग के वो काफ़ी मुश्किल जे मजीद मंदिर भी सो तकी सकने सो। अस कोशिश करने हैं कि ये मंदिर भी सो कि दसाले जान, तो यह उपर सो तकी सकने उस गरी दे मजीद जूम करते असों सो कि दसने की कोशिश करने, तो इस जानेब सो तकने सो कि रोड है कि उन्हें किस तरह इतू उपर खड़िया, तो उपर बुकलैन भी तुसा तकने सो। हूँ अस काफ़ी उपर आई गए, रस्ता असं की लभना नहीं पिया उस ग्रां ना, क्योंकि इतने मैप भी कम नहीं करना, गूगल असं मारिया लेकिन गूगल भी कम करना छोड़ी गया, तो बड़ा मुश्किल रस्ता असं क्रॉस करी तो उपर आया, तो इतू कुसै रोड कड़ने की कोशिश की है लेकिन रोड भी इतों निकनी मिगी कोई दिसनी नहीं, तो सामने उपर सो तकी सकने हो कि एक बुकलैन लगी हुई है, बहुत औखी जगह ही आई गया क्योंकि मैप कम करना छोड़ी गया। तो मजीद जुले उपर ये जाने तुम कट्ठा तकने सो, कमर साहब तकी तो टुटसो क्योंकि इलाका है काफ़ी खतरनाक आ, तो राह भी गए भुली, तो अज अस तूतों वाली बावल को क्या तो पुछ सौ या ना पुछ सौ। ये उपर कोई हूँ असं की ग्रां नज़र आया है, क्या पता कि ग्रां आ, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत। तो खास करी असं इन बंदे की बहुत ज़्यादा बहादुर सफर कर सौ जे इतने बुकलैन पर कम करने पे, इतने एक्सवेटर ना कम इंतहाई मुश्किल आ, यह सामने सो तकने सो कितनी मुश्किल जगह ही है, तो इतू ये रोड करने ना इन्होंने को गलबन मनसूबा लेकिन बहुत मुश्किल आ। रोड कड़ी खड़ सुन यकीन तो है पर बहुत ही मुश्किल है, पर वही जैसी क्योंकि बहुत बड़ा कट्ठा है, बहुत बड़ा कट्ठा है और बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा कि जरा इतने एक्सीलेटर चलाया, खास कर जरा बंदा एक्सीलेटर चलाना उसकी दाद देनी पे, दाद जान देनी चाहिए, तो नाजरी ने तकी सकने हो पिछा कट्ठा कटिया वा ठीक है। तो यह कोई शासवार अशने जे इतने पर एक्सीलेटर चलाने असं तो दूरों तकी तो डरने पे, क्या पता पठान है या साढ़े इलाके ने कोई बसनीक है पता नहीं, हूँ इन्होंने को पुछने। पैदल टुरे उपर आए लेकिन अस बहुत सारे औखे हो गए, क्या हाल है भाई? ठीक है, रोड तो बहुत मुश्किल है, माड़े समय तो नामुमकिन है। चलो जी ये बहु के इधरों को नहीं कोई शार्ट राश ना जरा के इतना से इजी है, इधर अच्छी ना जमीन हुई है, जमीन हुई है सारे बंदे नहीं जरा बेशक जमीन हुई है लेकिन अगर एक बंदे की या कुछ ही जैसी तो क्या हो जाए, ये खाली ऐसा ही फायदा नहीं। अच्छा सारे की फायदा है, सारे की फायदा है, इतना कितना कार सुन थे 1500 इस ग्राउंड का नाप सारिया जमीरी आ। अच्छा जमीरी ना आया जी। अच्छा तो नाल इतना सा बुझा सा एक तूतों वाली बावल है जी के रानी मंगो बनाई, वो कि जगह है रानी मंगो नहीं बनाई लेकिन चलो जिस भी लेकिन बहुत कि जगह है वो है थले ही है इतना बुन है। अच्छा वो जगह तो नहीं जहाँ पाइप लगा हुआ तो उपर टेंकी बनी हुई ना उसकी उपर ही उस उपर है जरा रस्ता जाए जाना सा उपर तक बिल्कुल। अच्छा उसकी नाल उपर डाची है, डाची उपर वो जी कोठी बनी हुई है डाची करानी है वो बपना ही है बपना उसी पर नाड़ मंदो। अच्छा नाड़ मंदो क्या आने कि इस बावल जी बनती हुई है तूतों नहीं क्या आखने तूतों वाली बावल जी है ये अज भी उस सही सलामत हालत की है उसकी है, तो ये काफ़ी लोग बने के रानी मंगो बनाई इसने बारे तुम क्या आखने इस चीज़ का मी नहीं पता तुम की नहीं पता नहीं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्ताद जी ये गल बस हो कि असं नीचे जी तुम की तकिया एक्सीवेटर चलाने जी जी
ते काफ़ी मुश्किल जगह ही है। असं नीचे से तो असं की खौफ लगी पाया कि बंदा क्या करना पाया, तो तुसों भी खास करी जो बिच हो तो वह तो ज्यादा खतरे चा, तो तुसों की कोई डर खौफ नहीं लगना कि इतनी मुश्किल जगह एक्सकवेटर चढ़ी? कोई एक गल बहु कि इतू भी एक्सकवेटर चाड़ी तो उपर आती नहीं, कि रस्ते जाने उस रस्ते आती है? तो ये भी आखने भाई हो कि इतू भी असं रोड डवासा जी, तो कह रहे हो कि ये जी जगह है ये सौखी है तो ये उस मुश्किल है जी जी, तो ये मनसूबा भी हूँ काफ़ी शायद महीनों पर लगा जाए जी, तो कह रहे हो कि कड़ी खड़सो ये रोड इंशाल्लाह। तो कितने अरसे ने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस चलाने? तकरीबन 7 साल। अच्छा 7 साल हो गया, तो जगह उतों सीखा? मैं 7 साल है। तो उम्र कही है तुम्हें? उम्र तकरीबन 23 साल। अच्छा इतनी कम सन उम्र ही नाजरीन इन्हें एक्सकवेटर सीखी है, तो खास करी बड़ी बलों तो बाला जगह है जितने एक्सकवेटर माड़ा कैमरामैन अगर माध्यम दस है तो को कितनी उच्ची जगह है, ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने भाई होने असं हौसला तक इन्हें की दाद देने तो नाल इन्हें की यह भी मशवरा देने कि थोड़ा जा समझदारी ना मुजहरा कर, इंसान आ इंसान को गलती हो ही सकनी है, तो गलती नहीं इतना सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही है, क्योंकि बहुत बड़ा इकट्ठा आ इतों जरा हूँ नीचे पत्थर जाना सा तो असं तकने से अगर वो मिट्टी च ना लगे तो काफ़ी दूर जो जाई सकना सा, लेकिन मिट्टी की वजह थी वो काफ़ी रुकी जाना सा, तो इन्होंने गल करते असं बड़ा अच्छा लगा, तो असं अजय मजीद सारा सफर आ जरा कि तूतानी बावली रहा तो असं छोड़ी आए पिछे क्योंकि असं राह भटकी गए, तो मजीद अगे जुलने तसों की मजीद इलाके ने मंजर दसा। माशाल्लाह जी हूँ असं जाई रहे तूतां अली बावली कोल, ते बावल असं की आई लभनी नहीं पई क्योंकि इलाका नवा आ, बावल बहुत प्यारी ते सोहनी है, ते अग्गे तुसां जंगल दे नज़ारे भी तकने पे उसो काफ़ी काश शा भी होया वा, ते हुण दुआ करिया कि बावल जल्दी लभी जाए क्योंकि ये रानी मंगो ना ओ शाकार आ जिसकी तकने थू मैं काफ़ी देर थू बेताब हूँ, ठीक है, रस्ता काफ़ी ख़राब आ खाए खा हो, लेकिन फिर भी असं कोशिश करसा अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचने नहीं, ठीक है, ऐसा मन सो तकने पे सो। अच्छा माशाल्लाह जी ऐसा सामने वो कासा, ठीक है, तो बाकी सामने भाई और अगे जाने बावल नहीं खोज च, ते अमर साहब तको इतना सुकी भी चीड़ सुकी भी चीड़ इस पास कोई नज़र नहीं अशनी मिकी है जी, आहो वो दाख है जी वो बड़ा बूटा ये उवे बावल है कड़िया चीड़ा ए जड़ी है क्या इसकी आखने जी तूतां आली बावल, वो सामने जड़ा बड़ा बूटा सही नज़र अशना ना अमर साहब ये जड़ा बूटा ए इस चीज़ की बाइत है इस चीज़ की पकारी पकारी आखना के बावल तूतां आली इत्थे मौजूद है, तो नाजरीन जुलने ते तुसां की तूतां आली बावल ना विजिट कराने नी कोशिश करने आ, ते काफ़ी मुश्किल सा एक कस ते ऐ वो कासा जरा असं पार किया आ, तो बाकी इलाके ने मंजर भी तुसां तकी सकने हो, ते हुण अगे अगे कमर और ते पिछे पिछे मैं, ते हुण असं बिल्कुल कमर होने कोल पहुंची आया, ते कमर साहब कह रहे हो बावल हुण लभसी? इंशाल्लाह अल्लाह ने हुक्म नाल असां आखर बावल लोड़ी गिंदी है बड़ी तनहाई मुश्किल आकात तकी दे उस तुलना तकी दे असां बावल लोड़ी गिंदी है। अच्छा माशाल्लाह जी आखिरकार असां बावल लोड़ने च कामयाब होई गए हां, ये जड़ी बावल है दसने के बहुत तारीखी बावल है और ये राणी मंगो ना बहुत ही बड़ा एक कारनामा और सेंसे ने विच खास करी ते राणी मंगो ने जड़े बावलियां लिहाज नाल जड़ियां
मसलां जेड़े करना में ओह कुसै तू डके छुपे नहीं। अच्छा माशाल्लाह जी, हुण असां बावली दी तरफ रवां दवां आं, और तुसां वी सोचने होसो कि ऐसी केड़ी बावल है जिसने मारे समाला टीवी आह्ले काफ़ी वर करने पे, लेकिन ये बावल हकीकत विच एक ऐसी चीज़ है जिसकी तक्की तो एक बार दिल खुश हो जाना आ। ठीक है, तो तुसां सामने तको एक निमना यानी तूनी ना दरख्त सामने तुसों की नज़र रखना पिया, इसने नीचे ये जड़ी तूतों वाली बावल है वो मौजूद है। तो कुसै दौर हो ही सकना इतना तूत बगैरा होए जिसनी वजह थी इसकी तूतों वाली बावल आखिया गया। तो इस सामने तुसों की पानी काफ़ी जाना नज़र रखना पिया, उसी हो ही सकना ये जरा पानी आ इसै बावली ना वै लगसी। तो यकीन आ के इै तूतों वाली बावल है। तो बाकी सामने तुसों लाके ने मंजर भी तकी सकने उसो, इस चफेरियाँ जड़े मसलन नक्श और नगार है वह भी तुसों की नज़र रखने पे उस। तो तूतों वाली बावल ना तुसों की विजिट कराने की कोशिश करने हैं। ठीक है, काफ़ी देर असं इसकी लुड़ने रहे हैं, तो राह भटकी गए सौ एक कट्ठा सा उत्थे चढ़ी गए, उत्थे एक्सवेटर लगा सा उत्थू पुछने असं आखिर इस बावल नहीं खोज इतने असं पहुंची आए हैं। तो इस सामने सौ तको कि इस दरख्त ने नीचे एक बहुत ही प्यारा थड़ा बनता वा, गालबन कोई नमाज पढ़ने ना होया या कैस ना होया वो उन्हें बनाया आ। ठीक है, तो वह भी तुसों की असं दसने ए तुसों उपर तकी सकने उसो, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत थड़ा उन्हें बनाया आ। ठीक है, ए वो लोग गैर मजहब से लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों की कदर की है। तो इस सामने वो तुसों थड़ा तकी सकने नमाज पढ़ने ला, इंतहाई खूबसूरत थड़ा आ। ठीक है, तो दरख्त भी इतना जरा नाल लगा हुआ तकरीबन 100 साल पुराना दरख्त आ जरा के तूनी ना दरख्त आ। ठीक है, तो ए वो थड़ा बनता हुआ नमाज पढ़ने ना। तो हूँ रही गई बावल, तो बावल की भी असं हूँ लौटने की कोशिश करने। तो सब तो पहले तुसों की असं थोड़ा जहा थड़ा करीब थू विजिट कराई छोड़ो। ठीक है, ए वो थड़ा आ, ए वो थड़ा आ। ठीक है, और इसने अंदर काफ़ी पुराने पत्थर वगैरह लगे हुए। ठीक है, हूँ असं तुसों की इस थड़े ना करीब थू विजिट कराने ए सामने तकने पे उसो। तो बाकी ए सामने वो बड़ा दरख्त है। अच्छा कमर साहब, थड़ा पसंद आया कोई नहीं? बहुत ही इंतहाई खूबसूरत जगह है। अच्छा, लेके उन्हें असल में मुसलमानों से बनाई है, उस दौर बीच काफिर से ज्यादा यह गल है, लेकिन उन्हें काफिर की मुसलमानों नाल भी काफी प्यार सा, काफी प्यार सी जिसकी वजह से तुसाने सामने या तक ही सकने हो। हां, और बड़ी मशक्कत इथे लगी होसी है तको के कितने इथे बटे दूरू दूरू चाहिए, कितनी मुसीबत कटी थे इथे उन्हें लाए सुन, तो इथे कुछ दौरे च नमाज वगैरह होनी रही होसी। चला जी, हूँ असं उस तूतों वाली बावली को आखिर पहुंची आए, लेकिन इत्थे आए हैं तो असं एक चीज़ तकी है कि इत्थे कस पिया, तो वह बावल जड़ी है वह काफ़ी हद तक मुतासर हुई है, तो उसने विच पानी वगैरह पी गया है। ठीक है, तो बाकी इस जानब भी उसमें तकी सकने, इत्थे कोई देव वगैरह कोई देव वगैरह दी गई है, इस जानब भी नमाज पढ़ने ना पत्थर लगा वा पार सामने तुसों की उस दरख्त के नीचे थड़ा बनता हुआ भी नज़र रखना पिया उसी। तो हूँ जुलने तुसों की वह बावली दसने की थोड़ी कोशिश करने, बावल बड़ी प्यारी सी लेकिन कस बहुत बड़ा आया जिन्हों लग गया जिसनी वजह थी बावल सही करी तो दिसनी नहीं। ठीक है, ये जाने इसने काफ़ी पहाड़े। ठीक है, इधर वो मसलन जरा थड़ा इन्हें बनाया हुआ नमाज नमाज पढ़ने से, तो दरख्त भी बड़ा खूबसूरत था। तो इस सामने वो बावल सी, तो तुसों की मैं हूँ दसने की कोशिश करना हाँ इस बावली ने अंदर जेडे तारीखी पत्थर वगैरह लगे हुए, लेकिन उसों की सही करी तो दिसन नहीं लगे क्योंकि बावल ने अंदर मिट्टी काफ़ी जमा हुई गई है। ठीक है, तो इस जाने भी सौ तकसो के पत्थर उसों की लगे हुए थोड़े थोड़े नज़र रखने पे उसों, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा चढ़ी गई। आई सा नाल उऐ साव होया जड़ा साड़ा साव होया सा ए कणियाँ चिड़ानी बावल वाला। ठीक है, तो बावल काफ़ी खूबसूरत सी लेकिन इसने भी हूँ मिट्टी काफ़ी आई गई जिसकी वजह से असं तुसों की बावल दसने तो हूँ तुसों की असं सही करी तो ना दसी सकने। ठीक है, तो जो भी गर्मियों से बावल साफ की गई तो इस असं दोबारा वीडियो बनासा तो तुसों की दसा, तो यह बावली ने पानी सौ तकने सो बे तो सीधा कसर अंदर जाना, तो इस सामने एक नाला निकलना आ। इसने के बावल भी रानी मंगो बनवाई। ठीक है, लेकिन यह जरा थड़ा आ कोई बंदे आखने के उस बनवाया रानी मंगो, लेकिन कुछ आखने सड़े लोगों खुद बनाया, तो यह जरा तारीखी दरख्त आ सारे किसी नहीं
अकासी करना आ। ते इत्थे जेहड़ी ये बावल सी ये बड़ी मशहूर सी, लेकिन हुण ये आई गई मिट्टी ने भी ते असां मजीद तुसां की ना दे सकने। तां तुसां कोलों कसम माजरत कि अज दी जेहड़ी साडी वीडियो या खास करी तुसां की ये तूतां वाली बावल दसने थी असां रही गए आं, तुसां की असां ना दसी सके। ते ये जेहड़ा सुक्का बूटा खुरै ये तूतै ना कैस ना, ठीक है, ते जिसनी वजह से इसने ना तूतां वाली बावल पिया। लगना तो इस तरह कि इयै बावल है, हो ही सकना कोई और बावल ना वै, लेकिन असा ना जरा शक आ वो बिल्कुल करैक्ट आ, क्योंकि इयै असा की ये तूतों वाली बावल लगी है, क्योंकि इसने नाल इत्थे एक दरख्त बनया वा।